नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दर्शकों, कल से छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। कल पहला दिन है और कल कद्दू भात से शुरुआत होती है इस पर्व की। बता दें, छठ को लेकर के रांची शहर में सभी तालाबों को साफ किया जा रहा है। चूंकि इस वर्ष जलस्तर थोड़ा ज़्यादा है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए रांची उपायुक्त ने कई कुछ तैयारियों के बारे में बताया। आए सुने क्या कहते हैं रांची उपायुक्त। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी नगर निगम के घाटों में तथा ग्रामीण क्षेत्र के घाटों में प्रशासनिक स्तर पर तथा विभिन्न छठ पूजा समितियों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। प्रमुख रूप से चूँकि इस बार सभी जलाशयों में, सभी तालाबों में पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अधिकांश जगहों पर बैरिकेडिंग करवा कर डेंजर जोन का साइने सभी जगहों पे लगवा दिया जा रहा है, ताकि कोई भी छठवर्ती माताएं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकें। इसके अतिरिक्त सभी घाटों पे साफ़ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सभी घाटों पे बिजली व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था कराई जा रही है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोणों हेतु NDRF की टीम का भी प्रमुख घाटों में प्रतिनियुक्ति करवाया जा रहा है। इसके लिए सारी आवश्यक परमिशंस बेटा NDRF के बटालियन से भी प्राप्त कर ली गई है, और बड़ा तालाब, बटन तालाब, कांके और धुरवा में प्रमुखता उनके द्वारा टीम्स को इन्वॉल्व करके रखा जाएगा। उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं तथा गोताखोर उपलब्ध रहते हैं, तो इनके माध्यम से सुरक्षात्मक उपायों को प्रमुख घाटों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी घाटों में चेंजिंग रूम्स की भी स्थापना की जा रही है, और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आने जाने में किन्हीं को भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो। यद्यपि अधिकांश लोग पैदल ही आते हैं, परंतु अगर गाड़ियों से भी लोग आते हैं तो अलग से स्पेसिफिक पार्किंग का अरेंजमेंट भी कराया जा रहा है। इन सभी जगहों पर सफिशेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेज एंड मैजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। कुल मिलाकर पूरे के पूरे छठ घाटों में प्रशासनिक व्यवस्था को उनके छठ पूजा समिति के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कराकर हर संभव तरीके लगाकर प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जहां बहुत ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो रही है, तो किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो और सभी बहुत ही सुलभता के साथ अर्घ डालकर वापस लौट सकें। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only seal for tough construction.